भैया जय श्री राम, आज से ये दोनों भी अपने यहाँ काम करेंगे। ठीक ठीक है, आ जाइयो। बड़े भाई तुम कहाँ बैठे हो, आओ हमारी मदद करो। हमसे ना हो पाया जो काम, कहे ना करो जो काम। हम ये सब करने से अच्छा तो हरिद्वार जाके पूजा पाठ करा ले। रुको रुको, कहाँ जाने लगे? आए बड़ा बधाई। विधायक जी के काम नहीं हो रहा तुम लोग से? विधायक जी और ठेके वाले थोड़ी परेशान कर रहे हैं, इसलिए नहीं हो पा रहा है काम। ठीक है, हम करते हैं प्रबंध, देखते हैं उसको। ऐसे जनता के बीच में जाना पड़ेगा ना। नमस्कार। क्यों लल्ला, क्या हुआ प्रकाश के लौंडे का? भेजे हैं लौंडे को, करवाओ उसको जल्दी, सटल करवाओ, आज शाम कटवा देंगे। शाम तक पूरी रिपोर्ट चाहिए। सब लोग लो साले को। बताओ लल्ला। हाँ पता जी, निपटा दिए। ये क्या किए तुम, मना किए थे हम तुमको, ऐसी हरकत मत करना तुम। अब जो हगे हो उसको साफ करके आओ, वरना हमको अपनी शकल मत दिखाना। अरे तो क्या करें, हम हो गया तो हो गया। खत्म करो किस्सा, ये रोज रोज की वही है, खत्म करो उसको। क्या करें, तो हम बाप को भी निपटा दें क्या? ठीक है निपटाते हैं। प्रकाश वाला पैसा आ गया है? नहीं दे रहा है, गर्रा रहा है साला, ठिकाने लगाना पड़ेगा उसको। तुम चूतियों जैसी हरकत कोई मत करना, इलेक्शन सर पे हैं, उसको उठवा के लाओ हमारे फार्म हाउस पे। अभी लगाता हूँ साले को फोन, उठवाता हूँ ठाकुर से बोल के उसको। हाँ ठाकुर, उठाओ उस प्रकाश को। क्या भाई,
क्या हुआ? दो दिन और काम बाकी बस होते थे क्या क्या है कुछ ज़्यादा होने काम काम पड़ा ठीक कोई बात नहीं ध्यान दे दूँगी सब ठीक चल रही है चलो अखियाँ मेरी पूछ रही है दिल को मेरे चैन नहीं है कितने लड़ाइयाँ तो अखियाँ कितने लड़ाइयाँ कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें तेरी तक दे जाऊँ नींदा चुराइयाँ तो मेरी यहाँ नींदा चुराइयाँ वे धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन यार झूठा था जताया ही क्यों ऐसे जाना था तो आया ही क्यों ऐसे जाना था तो आया ही क्यों ऐसी तुम कर तू दरार सितम कर दिया आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया ओ बेदर्द या यार बेदर्द या ओ बेदर्द या यार बेदर्द या चंदन तुमने जो किया ना भैया जी गलती हो गई एक मौका हमको दे दो दोबारा हमारे धंधे में माफी नहीं उसकी सजा सिर्फ मौत है है मरा नहीं है साला अभी लग रहा ए मर गया नहीं क्या मर गया क्या बोला था क्या बोला था इधर देख क्या बोला था जो हमारे साथ खड़ा है ना वही जिंदा है वरना तेरे जैसे मुर्दा पड़ा है ये नहीं दादा निपटा उसको अभी कहाँ से आ रहे कहाँ से आ रहे तुम्हें पता है किसको मारे हो तुमने विधायक के लड़के को नहीं मारे दो दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ हाँ विधायक के लोग लल्ला यहाँ आओ बैठो हमारे पास क्यों लल्ला चल क्या रहा है आजकल हमारे ही लड़के मारे जा रहे हैं सब अंडर कंट्रोल है लड़के लगे हुए हैं शाम तक चुप रहो तू तुम्हारे चुटिया पे खत्म ही नहीं हो रहे दो महीने बाद इलेक्शन है कितनी बार तुमको समझाया एक बार भरोसा करिए हम सब ठीक करते हैं राजू सुनो इधर आओ हाँ। लड़के लोग हैं थोड़ा ध्यान रखना कुछ उल्टा सीधा ना उठो 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 उठो
तुम्हारी लोकेशन पता चल गई है, उन लोग को आ रहे हैं उन लोग, यहाँ से निकलो जल्दी। हेलो भैया जी, भैया जी हमें बचा लीजिए, उनको बचा लीजिए, विधायक जी के लड़कों को मार दिया है मैंने, आप थोड़ा सेटलमेंट कर दीजिए, अनजाने में गलती होगी हमसे, एक बार हमको बचा लीजिए, लास्ट बार बचा लीजिए भैया जी। तुम्हारी नौटंकी के कारण हर बार हमको झेलना पड़ता है, ठीक है देखते हैं करते व्यवस्था। लल्ला अपने को पूरा यहाँ लगवाना है, पूरा टेंट, पूरी जनता को सामने बैठाना। मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको यहाँ से यहाँ लगवा देते तो सीधा सीधा होता है ना। हाँ यहाँ से भी पूरा कवर करवा दे, यहाँ से कवर करवा दे रहे हैं। हाँ भी देखते हैं। हाँ ठाकुर बोलो। जिंदगी भर हमने विधायक जी की वफादारी की है, आज तक उसके बदले कुछ नहीं मांगा है। हाँ क्या बात है ठाकुर। पिछले दिनों जो लफड़ा हुआ था वो हमारा ही लड़का है। ठाकुर अपनी औकात पर रहो, उस विषय पर हमसे कोई बात मत करो, विधायक जी गरम है, उसको मरना ही पड़ेगा। हमारी वफादारी का हमको ये इनाम मिलेगा, कभी सोचे नहीं थे लल्ला। ठीक है लल्ला भैया, लेकिन विधायक जी से कह दीजिएगा उस तक पहुंचने से पहले हमसे गुजरना पड़ेगा। ठीक है देखते हैं। रूप मारी फेवरेट ओ वकाली रात नखरो, प्यार का तो कैदा देख पड़ना नहीं आताड़, खामेगा की करे ना खुबात नखरो। गुंडा का रूप मारा रावण का रूप मारी फेवरेट ओ वकाली रात नखरो, प्यार का तो कैदा देख पड़ना नहीं आताड़, खामेगा की करे ना खुबात नखरो। गणा बने पहलवान उन्हें बेचा समसान, काला रंग काले डंग काले कारना शहर के माँ में पी होते होंगे समाट, मारी मान तसरूत गुंडे